स्वागत है आप सभी को सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि मेजरमेंट बॉक्स का डायमेंशन कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेजरमेंट बॉक्स। सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट को मेजर करने के लिए मेजरमेंट बॉक्स बनाया गया है। इससे मेजर करके हम कंक्रीट को मिक्सिंग करते हैं। कंक्रीट ही नहीं, मोटार को भी, जब हमें ब्रिक वर्क करना होता है, प्लास्टर करना होता है, तब मेजरमेंट बॉक्स का यूज करते हैं ताकि रेशियो के अकॉर्डिंग मिक्सिंग हो। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेजरमेंट बॉक्स, जो साइट पे यूज करते हैं मेजरमेंट बॉक्स, इसका साइज कितना होना चाहिए। सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट मेजर करने के लिए मेजरमेंट बॉक्स का यूज किया जाता है। इसका डायमेंशन होना चाहिए 300 mm विड्थ होना चाहिए, 300 mm लेंथ होना चाहिए और इसका जो डेप्थ है 390 mm होना चाहिए। तो इस साइज का मेजरमेंट बॉक्स यूज किया जाता है। ओके, जब ये मेजरमेंट बॉक्स का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो एल इंटू बी इंटू एच तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या है, mm में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो 0.3 × 0.3 × 0.390। तो एक मीटर में होता है 1000 mm, इसलिए हमने चेंज कर दिया। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 0.0351 क्यूबिक मीटर, इसका वॉल्यूम होता है। ओके, एक मेजरमेंट बॉक्स जो यूज करते हैं इसका वॉल्यूम होगा 0.0351 क्यूबिक मीटर। एक्चुअली में ये जो डायमेंशन हुआ 21 बेस पे आधारित है। क्यों स्टैंडर्ड साइज लिया गया, तो वन बैग सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है, वन बैग सीमेंट जो है 50 kg का है, तो वन बैग सीमेंट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट बॉक्स बनाया गया है। तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 kg/m³। एक एम क्यू में अगर एक क्यूबिक हो अगर सीमेंट, तो 1440 kg होता है। ओके, तो इसे वॉल्यूम निकाल देंगे 50 kg वन बैग का, तो 50 / 1440 0.0347, यानी कि हम इसको क्या कहें 35 ये क्यूबिक मीटर। इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट बॉक्स का साइज होता है। तो ये स्टैंडर्ड साइज है, चाहे तो आप वेरिएबल करके बना सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो होगा आपके पास वॉल्यूम इतना ही रखिएगा। ओके, चलिए साइट पे इसका यूज देखते हैं, कि रियल में चेक करते हैं जो मेजरमेंट बॉक्स है इस साइज का है या नहीं। ओके, इसका डेप्थ चेक कर लेंगे 390 mm। ओके, कि डेप्थ सही है या नहीं। फिर इसका साइज चेक कर लेंगे, लेंथ विड्थ 300 mm। ये वन बैग का वॉल्यूम के बराबर मेजरमेंट बॉक्स होता है। इसके यूज से हम सैंड को, एग्रीगेट को मेजर करेंगे ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो, किसी का वॉल्यूम ज़्यादा ना हो। बाय वॉल्यूम जब हम यूज करते हैं, कंक्रीट मिक्सिंग करते हैं, तो मेजरमेंट बॉक्स का यूज करते हैं। देखिए मिक्सर मशीन से ये कंक्रीट बन रहा है, तो क्या होता है कि जब हम मिक्सर मशीन से बनाते हैं तो मेजरमेंट बॉक्स से डायरेक्ट इसमें तो मेजर करके डाल नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे धमेला का यूज करके, पैन का यूज करके मिक्सर मशीन में डालते हैं। तो ये भी हम चेक कर लेंगे कि मेजरमेंट बॉक्स में कितना धमेला, पैन आपका, एग्रीगेट आ रहा है, सैंड आ रहा है, उस तरह हम मेजर कर लेंगे और पैन से मेजर करके हम धमेला से मेजर करके कंक्रीट बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम मेजर करा रहे हैं साइट पे, ऐसा होना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर मिक्सिंग हो, क्वालिटी मिले, क्वालिटी पे हम कंट्रोल रखें कि ताकि सैंड और एग्रीगेट ज़्यादा ना हो, रेशियो के अकॉर्डिंग जो आपके पास ग्रेड है उस ग्रेड के अकॉर्डिंग आप मिक्सिंग कराएं। वन बैग है, सीमेंट भी हम चेक करेंगे वन बैग, तो एकदम वन बैग का वॉल्यूम आता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।